सो व्हाट्सअप गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले वेरी बिग शाउट आउट टू ब्रिजेश एंड सिम्प, बिकॉज इन दोनों ने मेरी रीसेंट वीडियो पे कमेंट किया था, वीडियो को लाइक किया था एंड चैनल को सब्सक्राइब किया था। अगर तुम्हें भी ऐसी शाउट आउट चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट रखना ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो बस जो है आप सामने टाइटल एंड थंबनेल लेकर तो समझ ही गए कि वीडियो किस चीज़ पर होने वाली है। यस, वीडियो होने वाली है एक बहुत ही तगड़े शेडर पे। एंड अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही तो मेरे को माफ़ कर देना, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो। वैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड मतलब वॉइस ओवर थोड़ा सा बाहर कर रहा हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई शेडर जो कि ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। एंड ये शेडर स्पेशली डिज़ाइंड है लो एंड डिवाइस के लिए, ठीक है। तो मतलब आपका जो है माइनक्राफ्ट एकदम लैग नहीं करने वाला, एकदम लैग फ्री होने वाला है। एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई शेडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, इसके रिफ्लेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं। एंड साथ ही साथ भाई इसको खेलने में भी इसको लगा के जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर क्लाउड्स यहाँ पे देख सकते हो, एक बार तो मैं नाइट करके दिखाता हूँ। नाइट तुम देखना भाई, नाइट ये देखो। तो नाइट के में भाई मून पे जो शेडो है वो भी तुम्हें दिख रही, देख सकते हो यहाँ पे स्टार्स भी दिख रहे हैं। साथ ही साथ भाई बहुत ही सही लग रहा है भाई, इफेक्ट जो है वो बहुत तगड़ा देखने को हमें मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है शेडर की। अब गाइस जिस बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। देखो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हारा डाउनलोड तो हो जाएगा लेकिन वो काम नहीं करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा है, मेरा कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है, वहाँ पर जाकर सबसे पहले तो प्यारा सा एक प्यारा सा कमेंट कर देना। उसके बाद जो है पिन कमेंट में जो है वो लिंक तुम्हें मिल जाएगी शेडर की, वहाँ से तुम शेडर को डाउनलोड कर लेना। डायरेक्ट ड्राइव की लिंक दूंगा तो वहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जो है शेडर डाउनलोड करने के बाद अप्लाई कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से तुम्हें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ZRCiver, जो कि तुम्हें प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। तो फटाक से उसको ओपन कर लेना है। तो चलो यहाँ पर मैं फटाक से ZRCiver ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ZRCiver ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला मेरा शेडर है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा मेरा शेडर। इस पर जो है तुम्हें जो है टैप करना है। टैप करके देखो व्यू के बगल में जो एरो आ रहा है, तुम्हें एरो पे जस्ट आपको सिंपल से टैप करना है। एरो पे टैप करने के बाद ही डायरेक्ट आपका जो माइनक्राफ्ट देखो, फिर मेरा लोड लेने लगा माइनक्राफ्ट। एंड जो है यहाँ पर आप देख सकते हो शेडर जो है वो इम्पोर्ट हो चुका है एकदम सक्सेसफुली बिना किसी दिक्कत के। एंड अब इसको लगाना कैसे वो बताता हूँ। यहाँ पे देखो सेटिंग पे जाना, सेटिंग में जाकर यहाँ पे वर्ल्ड रिसोर्स पे जाके, तो यहाँ पे मेरा पुराना वाला पैक है उसको पहले मैंने एक्टिवेट कर लेते हैं, मतलब हटा लेते हैं। तो उसको हटा लिया। अब यहाँ पर इस वाले शेडर को देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर माई पैक्स पे, इसको जो आप लगा लेना, ठीक है। इसका आपका जो शेडर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आई होप गाइस तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।